इसराइलिन के साथ परमात्मा के वाचा। इसराइलिन का लाल समुद्र से पार लई के जाए के बाद परमात्मा उन्हें जंगल से होई के सिने कहामा वाले पर्वत के तरफ लई गए। यह वह पर्वत रहो है जहाँ मूसा बरत झाड़ी का देखे रहो है। ऊ मनई व पर्वत के नीचे अपन तंबुन का खड़ा करिन। परमात्मा मूसा से औ इसराइल के सब मनई से कहिन, तुम्हें सब दिन मोर बात माना का पड़ी औ जौन वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधत हूँ वही बनाए रखी है। यदि तुम ऐसा करिहा तुम मोर तोहफा बहुमूल्य धन याजक के राज औ एक ठे पवित्र जाति ठहरिया। परमात्मा द्वारा उनके पास आमा के लाने तीन दिन खुद का तैयार करिन। तब परमात्मा सिने पर्वत के चुटैया के ऊपर उतरिन। तब वह आओ तब भूकंप होएगा, बिजली चमकिस, धुआं उठिस औ तुरहिन के जोरदार शब्द भा। तब मूसा खुद ऊपर पर्वत में चढ़गा। तब परमात्मा मनेन के साथ एक ठे वाचा बांधिन। ऊ कहिन, मैं तुम्हारे परमात्मा यहोवा आहूँ, मही ना हो जौन तुम्ही मिस्र के दासत्व से छुड़ाए हों। कुन दूसर देवतन की उपासना मत करिहा, मूर्ति न बनिया औ वाखर उपासना मत करिहा, कैसे कि मैं यहोवा तुम्हार एक ठे परमात्मा आहूँ। अनुचित रूप से मोर नाम न लया, शब्द के दिन का पवित्र माने के लाने याद रखी है। दूसर शब्द में छः दिन में अपन सगला काम कर लया, सातवां दिन तुम्हरे लाने विश्राम करे के और मुही याद करे के दिन रही। अपने माता पिता के आदर करिहा, हत्या न करिया, व्यभिचार न करिया, चोरी न करिहा, अपन पड़ोसी के मेहरिया ओखे घर या ओखे कोनो भी चीज के लालच न करिहा। तब परमात्मा ई दस ठे आज्ञान का पत्थर में लिख के दू ठे पटिया में लिख के दैन। परमात्मा पालन करा के लाने मनेन का औ बहुत सारा व्यवस्था दैन। अगर ऊ ई व्यवस्था के पालन करही तब परमात्मा ऊ मनेन का आशीष दे का औ उनका रक्षा करे का प्रतिज्ञा करीन। पर वह कहिन कि अगर ऊ इनखर पालन न करीन त ऊ उन्हीं दंड दे। परमात्मा इसराइलिन से एक ठे विशाल तंबू बनाए का कहिन, मिलाप वाला तंबू। उन्हीं ठीक ठीक बताइस कि कैसा तंबू का बनामा कहा औ ओखे भीतर का चीज रखा कहा। उन्हीं तंबू का दू ठी कमरा में बांटा का लाने एक ठे बड़ बड़ा पर्दा बनामा का भी कहिन। परमात्मा वो पर्दा के पीछे वाले कमरा में आए करी औ उन्हें रहे करी। जहाँ परमात्मा है ब वो कमरा में जाए के इजाजत सिर्फ महायाजक करो है। ऊ मनई का वो मिलाप वाला तंबू के सामने एक ठी वेदी बनामा का हुई। को भी जो परमात्मा के व्यवस्था का न मानी वह ओ वेदी में एक ठे जानवर के लेके आई। तब याजक ओही बलि करी और वेदी में परमात्मा के लाने बलि के रूप में जलई। परमात्मा कहिन कि ऊ जानवर के लहू व मनई के पाप का ढांप दई। ऐसे ही परमात्मा व पाप का न देखे करी व मनई परमात्मा की नज़र में शुद्ध ठहरी। परमात्मा मूसा के भाई हारून औ हारून के वंशज का अपन याजक होय के लाने चुन लेन। परमात्मा ऊ मनैन का जो नियम दे रहे हैं ऊ उनखर पालन करे के लाने सहमत हो गए। ऊ सिर्फ परमात्मा के मनई होय के लाने और उनखर आराधना करे के लाने सहमत हो गए। कितना दिन तक मूसा सिने पर्वत के चोटी में रहो वह परमात्मा से बतात रहो है। पर मनई वाखर प्रतीक्षा करत करत थक गए। एके कारण ऊ हारून के पास सोना लेके आए और उसे एक ठे मूर्ति बनावा का कहिन। कहे से कि परमात्मा का छोड़ के वह मूर्ति के पूजा कर सका और ऊ ऐसा करके भयानक रूप से परमात्मा के खिलाफ पाप कर दें। हारून बछड़ा के आकार में सोना के एक ठे मूर्ति बनाईस। ऊ मनई वह मूर्ति के उपासना करे का शुरुआत कर दें और वही बलि चढ़ाइन। उनखर पाप के कारण परमात्मा उनसे बहुत गुस्सा होइगा, वह उन्हीं नाश करने का चाहत रहे हैं। पर मूसा उन्हीं ना मारा के विनती करा लगो। परमात्मा उखी विनती का सुनिन और उन्हीं नाश नहीं करिन और मूसा सिने पर्वत से नीचे आगा। वह ऊँ दूठे पत्थर का
लय रौहा जेमा परमात्मा 10 ठी आज्ञा लिखे रहे हैं। फिर वह मूर्ति का देखिस आउ इतना गुस्सा होइगा कि वह पटिया का कचेर के चकनाचूर कर दईस। फिर मूसा वह मूर्ति का पीस के वाखर बुरादा बना दईस आउ वह बुरादा का पानी में मिला के मनैन का पिया दईस। परमात्मा उ मनैन के ऊपर एक थे विपत्ति भेजिन आउ वमा से बहुत झन मर गे। जौन पटियन का मूसा तोड़ दरव है वाखर जगह लेके लाने पत्थर के दूठे नई पटिया बनाइस। तब वह फिर से पर्वत में चढ़ गा और प्रार्थना करिस कि परमात्मा मनैन का क्षमा कर दे। परमात्मा मूसा के सुनिन आउ उन्हीं क्षमा कर दें। नए पटिया के 10 आज्ञा के लय के मूसा पर्वत से नीचे उतर आओ। तब परमात्मा सीने पर्वत से लय के प्रतिज्ञा के देश तक इसराइलिन के अगुवाई करिन। निर्गमन अध्याय 19 से 34 से बाइबल की कहानी।